ले जाओ पत्र को और पत्र ये हमारे साले शिशुपाल को दे देना जा करके। उसी समय पत्र को लेकर के चले हैं। जब नाई उस पत्र को लेकर के गया और चंदेली में पहुंचा है तो क्या देखा है शिशुपाल ने? क्यों क्यों नाई? ए नाई कहिए महाराज क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं? ना हमें ना ही पता है। अरे 2 किलो लड़ुआ मंगाओ, 5 किलो काई को हम खुशी ले आए। खुशी लेकर के आया? हाँ। क्या खुशी है? तुम्हारी बुढ़ापे पे खुशी आई। मैं बुढ़ापा मुझसे बुढ़ापा आ गया? अरे सफेद सबके पास महाराज, अब एक 5 साल के बच्चा को देखो बाकी सफेद पूरे बाल है। तो फिर तुमने क्यों कहा मुझ पर बुढ़ापा आ गया? कभी दाई कर ले वो, तुझे दाढ़ी बनवाए के आओ है ना। हाँ मुझे मुड़ाए के क्यों रे? ये बता ये पत्र में क्या लिखा हुआ है? पत्र में? हाँ जब पत्र में जा लो तुम आओ ब्याह लोग हुए हमारे ब्याह। हाँ चुप होके बोलेगा, शांत होके कोई सुनना नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं तुझे बता? हाँ कुछ पढ़ के सुनाएगा महाराज? हाँ हम अनपढ़ आदमी हैं, पढ़ो लिखो ना है। हाँ तब तो कई दिन पढ़ ले तो नहीं तो चिमटा बजाएंगे, चिमटा बजाएंगे। पढ़े पढ़े होते तो काया से थोड़ी फूटते। हाँ तो ही महाराष्ट्र में मैंने कहा था कुछ और सीख ले। क्या कर महाराज, लॉकडाउन में पढ़न नहीं दो। चलो कोई बात नहीं, जो बताओ। हाँ ये पत्र हमें दो। ले महाराज अब तुम तो पढ़े लिखे ना हो लेकिन हम ही देख लेते इस पत्र में क्या है। अब कहा कर पढ़ी तो खूब पीला चिट्ठा आया है। हाँ हाँ देखिए लॉटरी खुल गई है शादी की। देखो लॉटरी खुली के मौत मर राज रही जो तो बनाए कोरो है। पीछे देखो मोहर लगी बमे कस के। अच्छा लगी है? हाँ हाँ इसमें तो ये लिखा है कि जो रुकम है रुकम अपनी बहन रुकमणी वो हमारे साथ में विवाह करना चाहता है। हाँ महाराज नहीं ओ रुकमणी तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। अब तो मुझे लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी सुंदर बड़ी चमकती है। हाँ क्यों नहीं? ओ कोई बात नहीं तुम जाओ, हम तो चले ही कैसे जाए। कैसे जाओगे? पैदल पैदल चले जाओ। रत्ता तो मालूम नहीं है तो, हाँ। तो हम क्या करें अब? अब खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। अरे हमें खुशी तो है लेकिन तैयारियां तो बना ले। टिप्पण पन हो दे दे ना इनको दे दिए जाए। किसको? भाई लड़ुआ दाते जब तक भूख लगी है। भूख तो लगी है सतुआ आएंगे इन तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे तो है तो हम दे दे। नीचे जो फल रखे हुए हैं थोड़े फल निकाल के लाओ। थोड़ा भोजन कर ले क्योंकि बड़ी दूर से आया और भोग भी लगी होगी। हाँ तू करवा दे। हाँ और देख नाई कुछ खा लेना और कुछ लेके जाना। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो ये बताए ऐसे खबाया जाता है कोई रिश्तेदार आए तो ऐसे खाना खिलाया जाता है? महाराज अब क्या कह रहे हो, एक खवाए दो तुम, मैंने खवाए दो एक पागल है तू बिल्कुल। फिर सही से खवा? सही तो खवाऊं। हाँ थोड़ा थोड़ा करके महाराज। हाँ तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होते? अरे उतना ही ऐसा है ना कुछ बैसो है दिमाग से बड़ा आप कुछ बड़ा शरीर तुम्हारे मंत्री ने पूरे ठोक दो। अरे हमारा मंत्री वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ कर देता है। हाँ ऐसे कहलाया जाता है। थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। हाँ
तू तो दानी है। हमें लगा तो मुराओ ने तो सीधो चलू को चलो कोई बात नहीं नाई कर लिया भोजन कर लिया महाराज पेट भर गया कि नहीं भर गया महाराज पेट भर गया कि नहीं भर गया थोड़ी कमी रह गई क्या कमी बोल महाराज हाँ जब कोई साधु भगवान पंडित नाई किसी के यहाँ जाता रिश्ता लेके फिर वहाँ खा पी कर तो क्या लेता है क्या दक्षिणा मारा अधूरी भाई अच्छा तो सब दक्षिण जितने भी आए हैं सब दक्षिणा ही वाले आए हमारे यहाँ महाराज तुम्हें अति अति सुंदर बिटिया मिल रही है हमारा तो रोज ब्याह ही हो तो 5 लाख 10 लाख में ब्याह हो तुम्हारा तो रोज ब्याह हो तो रोज छोड़ के चली जाते कोई डिंगाई तो आते ही ना है महाराज ज्यादा ना दे दो ज्यादा ना दे तो 1100 दे दे चलो कोई बात नहीं तुम कितने मांग रहे हो चल महाराज कोई बात नहीं कचरा में दे दियो उधार उधार कर ले अच्छा नहीं उधार नहीं गए कुछ तो दे देंगे चलो उधार खाता बंद ले आओ ले दादी महाराज कितने 2100 है 20000 है जय हो अब तुम जाओ और जाकर के कह देना कि तैयारियां बना लें ठीक है महाराज इधर क्या हुआ